हिटो रे हिटो पहाड़ हिटो रे। लाल बोतल शराबा तू छे बड़ी खराबा, लाल बोतल शराबा। पहलाग में सरिता तिवारी और आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक। और आज के इस कार्यक्रम में एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाने वाले हैं जो कि काफ़ी सालों से अपने आवाज़ के माध्यम से उत्तराखंड वासियों का दिल जीत रहे हैं, साथ साथ करीब 20 सालों से गाने गा रहे हैं और उत्तराखंड की समस्याओं को उठा रहे हैं। साथ ही अपने गानों के माध्यम से जो उत्तराखंड के स्थानीय मुद्दे हैं, जो समस्याएँ हैं और जो चुनावी मौसम जो फिलहाल यहाँ पर चल रहा है इसको लेकर भी गाने बनाते रहते हैं। जी हाँ, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के लोक गायक प्रकाश काला जी की। सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू सरिता जी। प्रकाश जी, पहला मेरा सवाल आपसे यही है, आपका एक जो गाना है बहुत ही ज्यादा फेमस यहाँ पर है और काफी लोग उसे पसंद भी कर रहे हैं, जिसका नाम है लाल बोतल शराबा। हम देख रहे थे कि करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग इसे पसंद भी कर चुके हैं। तो पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि ये जो गाना आपने लिखा या गाया जो भी है, तो ये इसका आइडिया क्यों आया, क्यों आपको लगा कि इस तरह का गाना बनाना चाहिए, तो इसके पीछे कहानी क्या थी? सरिता जी, हमारे उत्तराखंड में शराब के ठेके और शराब के बार बहुत खोल दिए हैं, जिससे हमारे युवाओं का भविष्य खराब हो रहा है और युवा वर्ग के लोग बारों में जाके शराब पी रहे हैं और ठेकों में लंबी लंबी कतार पर खड़े होकर शराब पी रहे हैं, तो उनका भविष्य खराब हो रहा था। मुझे लगा कि एक शराब पीने के बाद होने वाले नतीजों के लिए एक ये गाना गाना चाहिए, जो मुझे उत्तराखंड की महिलाओं ने, इसमें 90% महिलाओं ने मुझे प्यार सम्मान दिया, तो आज ये गीत YouTube पे 1.5 करोड़ व्यूज हो गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे गीत गाकर युवाओं का भविष्य सुधरे, युवा लोग दारू नहीं पिए, इसलिए ये गीत गाया गया। बिल्कुल, और आप आज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हैं और यहाँ पर कोई बॉर्डर नहीं है, तो पूरे देश भर के जो युवा हैं आपको सुन सकते हैं, सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं, ताकि वो भी इस तरह के जो ऐप हैं उससे दूर हो जाएं। तो आप थोड़ी सी अगर लाइन गुनगुना बता सकें, जो उनकी आपकी पसंदीदा लाइन है, जिस तरह से भी आप इसे शुरू करना चाहें, तो थोड़ी सी लाइन आप ज़रूर गुनगुना कर बताएं, ताकि जो युवा हैं वो भी थोड़ा सा प्रभावित हों और अपने ये जो ऐप है उसको छोड़ें। जी जी जी, जरूर। अभी पूरा नेपाल और हिमाचल और आधा बिहार में भी लोग इसको सुनते हैं, उत्तराखंड में नहीं, बिहार के लोगों ने भी और नेपाल के और हिमाचल के लोगों ने भी इस गीत को बहुत पसंद किया है, पूरे उत्तराखंड में, गढ़वाल और कुमाऊं में भी है। तो मैं दो लाइन आपको सुनाता हूँ। लाल बोतल शराबा तू छे बड़ी खराबा, लाल बोतल शराबा तू छे बड़ी खराबा, अब क्या करूं रे न समझी चूर है गयूं है गयूं, कलम के बिस्की पिलाई कहले पिलाई रम, पीले भुला पीले कोयो मिट्टी जालो गम, अब क्या करूं रे रात भर झुमने रह गयूं। लाल बोतल शराबा तू छे बड़ी खराबा, अब क्या करूं रे न समझी चूर है गयूं। बहुत ही बड़ा, बहुत ही खूबसूरत आवाज है, आज आपको लाइव यहाँ पर सुना, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के, और तमाम जो युवा हैं वो भी सुन रहे हैं, तो इस गाने को ज़रूर आई थिंक YouTube पे वो सुनेंगे और प्रभावित होंगे। अब जिस तरह से हम देखते हैं कि आप और भी उत्तराखंड की जो वहाँ के बुनियादी मुद्दे हैं उन पर भी, या जो सामाजिक मुद्दे हैं उन पर गाने बनाते रहते हैं, आप समाज से जुड़े हुए हैं, काफ़ी सालों से इस तरह के गाने बना रहे हैं, तो हम चाहेंगे, क्योंकि हाल फिलहाल अभी चुनावी मौसम भी है, तो थोड़ा सा चुनावी मौसम पे कोई गाना अगर आपने बनाया हो या फिर सामाजिक मुद्दों पर आपने कोई गाना बनाया हो उत्तराखंड से रिलेटेड, उस पर हम आएंगे, वो गाना आपसे ज़रूर सुनेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, आप उत्तराखंड के निवासी हैं, तो पर्सनली वहाँ पर आप किस तरह की समस्याओं को फेस करते हैं, अपने थोड़ा सा गाँव के बारे में बताइए कि कहाँ से आप हैं और किस तरह के अंतर है पहले और अब में, काफ़ी साल जो हो चुके हैं इस बीच, आपने उत्तराखंड के विकास को लेके क्या कुछ चीज़ें वहाँ पे ऑब्जर्व की हैं कि क्या कुछ हुआ है या नहीं हुआ है, क्या दिक्कतें हैं? सरिता जी, मैं दौराहाट के एक गाँव है, छोटा सा गाँव है काहली गाँव, वहाँ का रहने वाला हूँ। मैंने देखा है कि 5 साल के बाद चुनाव आते हैं, नेताजी आते हैं, हाथ जोड़ के पैर पड़ के जाते हैं, लेकिन वहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं, वहाँ की शिक्षा और वहाँ का जो युवाओं का रोजगार है, वहाँ से जो पलायन हो रहा है, तो उसके लिए बहुत बहुत दुखी है हमारा मन कि स्वास्थ्य अगर किसी के पैर में चोट लग जाती है तो वहाँ से दौराहाट से उसको सीधे हल्द्वानी या दिल्ली जैसे बड़े नगरों में ट्रांसफर किया जाता है,
और उस समय दुख होता है, कोई महिला गर्भवती होती है तो वो ठीक से वहां उसका इलाज नहीं होता, उसको हल्द्वानी जैसे बड़े शहर में भेज दिया जाता है। और शिक्षा का भी ऐसी है, लोगों को पढ़ने के लिए लखनऊ जैसे और मुंबई या दिल्ली जैसे शहरों में जाना पड़ता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि कोई भी नेता हो, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, यूपीडी हो, वो पहले वहां की स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं उनको ठीक करें, शिक्षाओं को ठीक करें, मेडिकल कॉलेज वहां पे लाएं और युवाओं को रोजगार देने की मांग करें सरकार से। और बहुत ही आपने अच्छे मुद्दे उठाए, शिक्षा शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार, ये जो तीन मुद्दे हैं ये काफी दिक्कत है वहां पर। और जिस तरह से क्योंकि आप भी फेस कर रहे हैं, आप वहां पर रहते भी हैं, तो आप बखूबी समझ सकते हैं कि कितनी दिक्कतें वहां पर होती हैं। अस्पताल नहीं होने से इमरजेंसी में काफी दिक्कतें होती होंगी, समझ सकती हूँ। तो इसको लेकर आपने भी कोई गाना बनाया है मैंने सुना है, तो हम चाहेंगे कि वो थोड़ा सा बताएं, उत्तराखंड की समस्याओं को लेकर कोई गाना है तो थोड़ा सा और भी बेटर समझ में आएगा जनता को भी। जी, मैं सारा उत्तराखंड और पूरा हमारा गढ़वाल और कुमाऊं सारा उत्तराखंड निवासी ही पहचान हूँ, तो मैं अपनी भाषा में बोल सकता हूँ सरिता जी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं अपन पहाड़ी लोग हैं, अपन उत्तराखंडी दीदी बोलियो हैं, आमा बोलो हैं, यो कौन जानू कि कोल नेताजी 5 साल बाद तमर वहां वोट नहीं आनी, तुम हाथ जोड़नी और भी बात ठुल ठुल तुम्हें वादा करने की हम यो गाँव में मेडिकल कॉलेज खोल दू या हॉस्पिटल में डॉक्टर लियोन और यहाँ शिक्षा में यश करूँ, तो सब वादा जो चीज झूठ है जानी। और नेताजी चुनाव जीती बात देहरादून है जानी, लाल बत्ती या जो लग गाड़ी में अपन है जानी, अपन मौज मस्ती करनी। तो मैं एक गीत बन रहा, तो यह गीत को जरूर सुनिया। अरे ए गिरे ए गई पहाड़ों में चुनाव, ए गिरे ए गई पहाड़ों में चुनाव, एगी 5 साल बाद नेताजू हमारा गाँव गुटार, एगी 5 साल बाद नेताजी हमारा गाँव गुठार, एगी झूठ बुलाने नेताजू 5 साल कट गई, झूठ बुलाने नेताजू 5 साल कट गई, अमा बुबू की आस टूटी युवाओं रोजगार टूटो, अमा बुबू की आस टूटी युवाओं रोजगार टूटो, बज का छाप लाइन है गो, बज का छाप लाइन है गो, झूठ बुलाड़ी नेता है गो, बज का छाप लाइन है गो, झूठ बुलाड़ी नेता है गो, एगिरे एगिरे ए गई पहाड़ों में चुनाव, एगी 5 साल बाद नेताजू हमारा गाँव गुठार, एगी मुसको पोथिल जस मुसको पोथिल जस बिराऊ जे बेरा हमारा गाँव गुठार, एगी अरे खोई भीड़ बैठी बे मुनऊ और हाथ जोड़े में, एगिरे एगे झूठ बुलाड़ी नेता एगे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा है ये, बहुत ही अच्छा है। चुनाव को लेकर आपने ये गाना बनाया, और कोई सर गाना है जो आपके दिल के बेहद करीब हो, लाल बोतल शराबा या इनसे परे, और कोई गाना जो आप अपना अक्सर गुनगुनाते रहते हैं? हाँ जी, एक जो प्लान हो रहा है हमारे जो प्रवासी लोग दिल्ली, जो युवा लोग दिल्ली में रहते हैं, हाँ वो बेरोजगारी के लिए ही, जो उनके पास रोजगार नहीं है दिल्ली रहते, तो एक प्लान के लिए मैंने एक गाना बनाया है जी। हिटो रे हिटो 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 रे हिटो हिटो पहाड़ हिटो रे अपने गोंगाड़ हिटो रे, पितरों की खही वती गोलीज को शुभ दरबार हिटो रे पहाड़ हिटो रे, हरियाऊ पंचमी खाला उतरणी का भूगूत गौ में सजला रे, 9 लाख कचूरों की खई के जगला रे, हिटो रे हिटो 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 रे हिटो हिटो पहाड़ हिटो रे गांव हिटो रे। जी
बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ये अच्छा गाना है। और कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि आपके जो सभी ऑलमोस्ट गाने हैं इन सामाजिक जो वहाँ की परेशानियाँ हैं, बुनियादी मुद्दे हैं, उनसे कहीं ना कहीं टच यहाँ पर रहते हैं। इससे लगता है कि आप भी कहीं ना कहीं उन समस्याओं से कह सकते हैं, उनसे आप ऑब्जर्व करते हैं किस तरह से वो समस्याएँ आपने वहाँ पर देखी हैं, आप घर की महिलाएँ जो समस्याएँ देखती हैं, तो वो आपके गीतों के माध्यम में जो गीत हैं आपके, उन जो शब्द हैं, लिरिक्स, उनमें नज़र आता है। हालांकि और भी अगर समस्याएँ की बात करें तो क्या कुछ और आप वहाँ पर फेस करते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वहाँ पर जो गाँव के गांव है वो भी यहां पर खाली हो रहे हैं पलायन के माध्यम से, तो ऐसे में जो आपका गांव है वहां पर क्या स्थिति फिलहाल बनी हुई है, जो वहां पर युवा हैं क्या वो भी रोजगार के लिए पलायन कर रहे हैं वहां से भी? जी, युवा युवा वर्ग जो है वो पलायन इसलिए कर रहा है क्योंकि रोजगार नहीं है। और मेरे ख्याल से जो युवाओं युवा अभी वहां काम कर रहे हैं वो कई किसी का झंडा पकड़ के जा रहे हैं, कोई कांग्रेस का झंडा पकड़ के जा रहे हैं, तो आपसी में भाईचारा भी बिगाड़ रहे हैं नेताओं के लिए। कोई कह रहा है यूकेटी जिंदाबाद, कोई कह रहा है बीजेपी जिंदाबाद, कोई कह रहा है कांग्रेस जिंदाबाद। आज तो चुनाव चल रहे हैं, आपसी भाईचारा भी बिगड़ रहा है उनका। चुनाव जीतने के बाद नेता चले जाते हैं, लेकिन मैं उन युवाओं से और अपने गाँव के, अपने पहाड़ के सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि आपसी भाईचारा ना बिगाड़े राजनीति के चक्करों में। हमारे एक किस्से कनी, जब नेताजी हना भल तो हमार किला बिगड़न बाट, नेताजी हना भल हमार किला बिगड़न बाट, यहाँ एजान सेंट्रल स्कूल हमारे पहाड़ में पानी का एजान घाट। तो मैं यो कौन चाहू कि अस्पताल, शिक्षा और रोजगार पर ध्यान दो, और जो जंगली जानवर, बंदर, सुअर आए दिन देख रहे हो, अभी हाल ही में एक 3 महीने के बच्चे को उठा के एक बंदर पानी की बाल्टी में डाल दिया और बच्चे की मृत्यु हो गई। तो ऐसे जंगली जानवर गाँव में आ रहे हैं, तो नेताजी अगर उन जंगली जानवरों से मानव जीवन को बचाएं और वहाँ रोजगार दें, पलायन नहीं होगा, पहाड़ फिर से एक बार हरा भरा हो जाएगा। तो मैं सबसे प्रार्थना करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, सरिता जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अपने इस कार्यक्रम में जोड़ा, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय यहाँ पर निकालने के लिए। बहुत ही खूबसूरत अपनी जो आवाज़ है उसमें जो सामाजिक मुद्दों से जुड़े गाने हैं वो भी उत्तराखंड की वहाँ की बोली में सुनाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, धन्यवाद, जय उत्तराखंड, जय माता।